हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फिर से आ चुके हैं आपके अपने चैनल में। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि आज कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो इस दिन को हम जन्माष्टमी के दिन से जानते हैं। इस दिन में हर एक परिवार में कोई ना कोई तो फास्ट रखता ही है, व्रत। आज मेरा भी फास्ट है, तो अभी शाम के टाइम पे मैं जा रहा हूँ मंदिर। आज हम आपको सैर कराते हैं डोलीदाना मंदिर के, अल्मोड़ा के डोलीदाना मंदिर की। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ के अल्मोड़ा की आंटियाँ मंदिर जाके आ चुकी हैं। देख सकते हैं, जैसे कि आज और दिनों से मुकाबले आज कम है मार्केट में भीड़। सारे लोग मंदिर गए होंगे या कोई जा रहे होंगे। लोहे के सिर वहाँ पे, हम लोहे के सिर से ऊपर को जाते हैं। एक साथ वाला भी कैंट रहता है, बुलाया इधर को है, क्योंकि कोई आज मेरे साथ कोई मंदिर आने को तैयार नहीं हुआ है। सब सुबह चले गए। ये अब आप पहुँचे हम आपके मस्जिद के वहाँ पे। अभी मस्जिद दिखाता हूँ आपको बाहर से। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज सब मेहंदी लगा रहे हैं। मैंने भी लगाई है मेहंदी। कृष्ण भगवान और राधा माता के कपड़े बनाए हैं बच्चों के लिए। चलो, साथ वाला भी आ गया है। माता ने कलर भी सेम किया है घरों में, मार्केट के ऊपर को। जहाँ तक फोकस होता है वहाँ तक फोकस कर रहा हूँ। फोकस तो बहुत जगह होता है इसमें से। ये देखिए, हम बांस गली के वहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी हम आपके पहुँचे हैं बांस गली के वहाँ पे। कुछ देर में ऊपर को जाने वाला है, रास्ता बताएगा मेरा साथ वाला। अब यहाँ से हम सीधे कैंट पहुँचेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आंटी, दीदियाँ, बहने और भी बहुत चीज़ें हैं मंदिर जाने के लिए तैयार हुई। यहाँ पे छोटा सा बच्चे को देख सकते हैं। ये हमारी छोटी सी बच्ची आंटी लोगों की राधा बनी है। आगे छोटे से भैया बालक कन्हैया बने हैं। थाना बाजार, हमारे थाना बाजार ये है। थाना बाजार यहाँ दीवार से मैं दोबारा चल चुका हूँ। अरे क्या बात, मेरे साथ वाले का भी आज फास्ट है। यहाँ पे दो बच्चे और मिल गए हैं कन्हैया बने हुए। देखिए कितने क्यूट हैं। पहुँच चुके हैं कैंटीन। यहाँ पे दीवारों में बहुत प्यारी पेंटिंग कर दी है। अब हम पहुंच चुके हैं सिद्धि बाबा नौला मंदिर। यहाँ का पानी बड़ा मीठा होता है। वैसे कहते तो हैं कि पानी का टेस्ट कोई, पर यहाँ का पानी बहुत मीठा होता है, सुना है। यह है कैंटीन जाने का रास्ता, रोड। यहाँ पे हमारे गड़िया जी। यह है आपका एनसीसी ग्राउंड। अभी तो यहाँ पे कोई एनसीसी वाला आया नहीं है। अब हम पहुँच चुके हैं आपके स्वच्छ भारत मिशन कैंट एरिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अल्मोड़ा का सबसे प्यारा एरिया। कहा था मैंने भाई मुझे मोबाइल कभी मत देना करके, फिर भी इसने मुझे मोबाइल दिया ना। बेचारा फंस चुका है। अब देखते हैं क्या होता है भाई साहब के संग। अभी हम यह करबल का फेमस हॉस्पिटल। हेलो, अब हम मंदिर की साइड पहुँचने वाले हैं। किस साइड को जाना है? यहाँ पे तो रोड की हालत बहुत बेकार हुई है भाई। मंदिर तो बहुत दूर है, चढ़ाई भी बहुत है, बिना खाए इतना चढ़ने में मुश्किल होती है भाई। चढ़ाई तो बहुत है, पर आ गए हैं तो हम हार नहीं मानेंगे, मंदिर घूम के ही आएंगे। इतनी ऊंची चोटी में पहुँच चुके हैं हम। हाँ तो खूब पसीना मैंने उतर गया। चलो मंदिर। एक पत्थर पे जय माँ भी लिखा है। यहाँ तो मेरा फर्स्ट टाइम है मंदिर आने। साथ वाला आते रहते हैं, इसी साइड को रहता हूँ।
यहाँ ज्यादातर पत्थरों में माना जाता है कि रामलीला यहाँ पत्थर लाए थे। जिसके यहाँ भी कहा था कि यहाँ पे ज्यादातर पत्थरों पे माँ लिखा है, दिख रहा है क्या बात। हाँ तो कुत्ता भी मंदिर जा रहे हैं। यह है मंदिर। हम भी उतारते हैं, उसके बाद भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। यहाँ पे पाँव धोने वाला भी है, कोई पाप करके आए हो तो पाँव धो लो, सारे पाप धुल जाएंगे। इसने तो बहुत पाप किए हैं अपने जीवन में अभी तक। अब यहाँ पे भाई साहब घंटी बजाते हुए बच्चों का खेल खेलते हुए, पता नहीं यह प्यारा सा मंदिर। मंदिर का तो दर्शन करने लिया बाहर से बाउंड्री में देख सकते हो, ये हमारे प्यारे से नाथ, यह है भोलेनाथ। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब कोई लिफ्ट वाला बाइक वाला लिफ्ट दे दे तो बहुत अच्छा होगा, पर दो लोग हैं लिफ्ट तो दे नहीं सकते, जाके लिफ्ट मांगता हूँ। सात को बोलता हूँ तू यहाँ पे रहा, क्या बस अलग अलग रिक्शे चलने लगे हैं। यह है आकाशवाणी। अब हम आपके पास आ रहे हैं रघुनाथ सिंह। यह है रघुनाथ सिंह। अभी हम पहुंच जाते हैं रघुनाथ सिंह वॉल। यह है आकाशवाणी। यह आने वाले दिक्कत। यह है रघुनाथ सिंह वॉल। We're gonna make it.